हेलो स्टूडेंट्स मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बी एस मैं आपके सामने टोपोलॉजी में डिस्कस करने वाला हूं कि इंटीरियर पॉइंट क्या होता है एक्सटीरियर पॉइंट क्या होता है फ्रंटीरियर पॉइंट क्या होता है इन पे बेस्ट एक्जाम्पल एंड थ्योरम को हम पे डिस्कस करने वाले हैं इससे पहले मैं काफी सारे वीडियो अपलोड कर चुका हूँ टोपालजी पे तो आप आई टे पे जाकर देख सकते हैं सुन मैं बताने वाला हूँ कि ये जो सीरीज है काफी हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए सुन देखिए

क्या होगा और जिन जिन पॉइंट का नेबर उड़ा वो सभी पॉइंट यहाँ पे क्या होता है इंटीरियर पॉइंट होता है और उसका जो सेट होता है वो हमारे पास क्या होता है इंटीरियर ऑफ ए सेट होता है यही हमारे पास द सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट ऑफ इस ए इज कॉल इंटीरियर ऑफ ए एंड इट इज डिनोटेड बाई ए जीरो राइट अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यार ये जो डेफिनेशन है कि कैसे हम इंटीरियर पॉइंट का सेट निकालते हैं ये मैं आपके सामने एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं कि मान लीजिए हमारे पास एक्स एक्स सेट है जिस पे हमने एक टॉपोलॉजी डिफाइन करी टी जहां पर उसके एलिमेंट आ रहे हैं हमारे पास फाइव एक्स वन एंड टू फोर एंड ए सुनिए आएगा हमारे पास वन टू फोर ये हमारे पास एक टॉपोलॉजी है राइट जो कि हमने सेट एक्स पे डिफाइन करी है अब मैं आपको बताने वाला हूं कि यार यहां पे हमारे पास कोई सेट ए ले ले लाइक हमारे पास आ रहा है ये टू थ्री फोर तो हमें ये पता लगाना है कि यार इस सेट ए का हमारे पास इंटीरियर का सेट क्या होगा तो हमें सबसे पहले ये पता लगाना है पड़ेगा कि इसमें ऐसे कौन कौन से पॉइंट है जिसका ये सेट है राइट हमें ये देखना पड़ेगा तो हम देखते हैं कि यार वन हमारे पास आ, वन का ये सेट नेबरव है या नहीं है तो हम क्या करेंगे सुन पे वन को कंटेन करने वाले यहां पे टोपोलॉजी के मेंबर देखेंगे तो एक तो ये है और एक अब इनके हमारे पास सुपर सेट क्या क्या होगा सकते हैं वो हम एक बार यहां पे लिखेंगे तो यार वन का हमारे पास सुपर सेट वन होगा देन यहां पे वन टू होगा देन हमारे पास वन थ्री होगा देन हमारे पास वन फोर होगा देन हमारे पास ये हो सकता है वन टू थ्री हो सकता है हमारे पास देन हमारे पास वन टू फोर हो सकता है हमारे पास राइट ये हमारे पास इसके सुपर सेट पॉसिबल है एक और हमारे पास यहां पे हो सकता है वन थ्री फोर राइट ये हमारे पास हो सकता है देन अब हम देखेंगे वन टू फोर के हमारे पास सुपर सेट हमारे पास क्या आएंगे तो यार वन टू फोर का देख तो खुद वन टू फोर आ जाएगा एंड एक हमारे पास खुद क्या आ जाएगा सुन एक्स आ जाएगा राइट तो यार ये सबके सब हमारे पास सुपर सेट आएंगे अब हमें यह देखना है कि यार ये जो टू थ्री फोर है ये हमारे पास वन का नेबरहुड है कि नहीं है तो यार हम देखेंगे कि कोई ऐसा हमारे पास यहां पे जो लाइक uh, like पहली बात तो टू थ्री फोर इसके अंदर कहीं कंटेन नहीं करा देखो आप है ना सुन टू थ्री फोर यहां पे इसके अंदर जितने भी हमारे पास एलिमेंट आ रहे हैं इसमें कहीं नहीं आ रहा है इसका मतलब ये होगा कि यार वन जो होगा उस ये सेट जो टू थ्री फोर है वन का नेबरहुड नहीं होगा तो ये ध्यान देने की जरूरत है तो वन यहां पे इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा राइट इसी टाइप से हम देखेंगे सुन two, कि यार ये जो सेट टू थ्री फोर है ये

ये हमारे पास पॉसिबिलिटी हो सकती है और अब देखेंगे वन टू फोर के सुपर सेट तो वन टू फोर तो यहां आ ही रहा है इसमें एक हमारे पास यहां पर एक्स आ जाएगा राइट अब आपको देखना है कि यार ये ये जो two, three, है इसके अंदर कंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है कोई एक हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है तो बिल्कुल हमारे पास टू थ्री फोर यहां पे आ रहा है और जो कि इसके अंदर हमारे पास कंटेन कर रहा है मतलब टू इस ये जो सेट है ये टू का क्या हो जाएगा नेबरूड हो जाएगा राइट मतलब टू हमारे पास क्या जाएगा टीरियर पॉइंट आएगा इसी टाइप से हम देखेंगे थ्री के बारे में तो सुन मैं यहां पे लेता हूं कि थ्री के हमारे पास ऐसे कौन कौन से एलिमेंटोलॉजी के जो कि हमारे पास यहां पे थ्री को कंटेन कर रहे तो हमारे पास एक्स के अलावा कोई और पॉसिबल हमारे हमारे पास पास नहीं है तो यार हमारे पास एकस, एकस या सुपर सेट लेंगे तो एक्स खुद ही आ जाएगा है ना सुजन बात करेंगे यहाँ पे कि हमारे पास थ्री का जो कंटेन करने वाला सुपर सेट है वो हमारे पास एक्स ही है और एक्स के अलावा कोई नहीं है और ये जो टू थ्री फोर है इसके अंदर यहाँ पे नहीं आ रहा है मतलब यहाँ पे थ्री जो होगा ये सेट जो है थ्री का नेबर रूट नहीं होगा और थ्री यहां हम पे हमारे पास इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा इसी टाइप से हम देखेंगे फोर।, तो फोर को यहां पे देखना पड़ेगा कि फोर को कंटेन करने वाले हमारे पास इसे कौन कौन से यहां पे टॉपोलॉजी के मेंबर है तो फोर को कंटेन करने वाला ये है और ये जैसे कि हमारे पास टू जैसा ही था राइट भाई टू टू के भी ये दोनों ही थे है ना वैसे फोर के हो जाएंगे तो हमारे पास वो सभी एलिमेंट आ जाएंगे जो कि हमारे पास टू में आए वो कि वही फोर में आ जाएंगे तो यार टू थ्री फोर यहां पे भी आ रहा था तो टू थ्री फोर यहां पे भी आएगा इसका मतलब फोर यहां पे क्या आ जाएगा सुन ये जो सेट होगा फोर का हो और इसका क्या हो जाएगा सुन इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा तो कुल मैं आपको कहना चाहता हूं कि यहां पे हमारे पास जो इंटीरियर पॉइंट आएंगे आएंगे वो कौन कौन से यहां पे तो ये जो भी हमारे पास एलिमेंट आएंगे इसके लाइक वो हमारे पास यहां पे आएंगे टू एंड फोर तो इसके जो इंटीरियर पॉइंट का जो सेट आएगा वो हमारे पास क्या आएगा सुन टू एंड फोर आएगा क्योंकि वन और थ्री ये सेट उनका नेबर नहीं होगा इसलिए वन और थ्री यहां पे इंटीरियर पॉइंट नहीं होंगे राइट अब बात करते सुनी यार बहुत लंबा प्रोसेस आपको लग रहा होगा सर यार ज़्यादा नहीं हो गया सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है थोड़ा सा समझने में देखो आप इसको रिकॉर्डेड देखोगे एक बार और वापस तो आपको चीज़ें समझ में आएगी पर इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ कि अगर हमको कोई भी सेट दे रखा है उसके अगर हमें इंटीरियर का सेट निकालना तो यार कैसे निकालते हैं आप बहुत ईजिली यहाँ पे

सेट uh, कहलाता है, राइट तो एक ट्रिक है जिसे आप किसी भी सेट का इंटीरियर पॉइंट का सेट निकाल सकते हैं राइट

ए uh, से माइनस करेंगे तो यह आएगा हमारे पास है ना अब इसके कॉम्प्लीमेंट के इंटीरियर पॉइंट क्या आ रहा है, है ना क्या होता है सुन एक्सटीरियर ऑफ ए हमारे पास क्या होता है सुन एक्सटीरियर ऑफ ए का मतलब होता है कि जो भी हमारे पास सेट दे रखा है उसके कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर का सेट इज नॉन एज एक्सटीरियर ऑफ ए राइट तो सुन यहां पर हम क्या करेंगे ये वन है अब मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि जो भी हमारे पास सेट दे रखा है उसका इंटीरियर का सेट कैसे निकालते हैं तो ये सेट के हम देखेंगे सबसेट कौन कौन से यहां पे टोपोलॉजी के मेंबर है तो वन का हमारे पास सबसेट क्या आएगा एक तो ये आएगा और एक फाइव आएगा राइट अब इन दोनों का जो यूनियन है वो हमारे पास क्या आएगा फाइव और वन का यूनियन वन ही आता है तो यार ये हमारे पास क्या आएगा इसका इंटीरियर का सेट हो जाएगा राइट तो यार ये हमारे पास

एंड वन हमारे पास यहां पे क्या होगा सुन इसका एक्सटीर पॉइंट होगा अब जो बचा है बचा कौन है हमारे पास थ्री बचा है तो यार ये इसका क्या हो जाएगा सुन फ्रंटियर पॉइंट हो जाएगा या इसको हम बाउंड्री पॉइंट भी बोलते हैं तो यार ये हमारे पास कंसेप्ट होता है अब मैं आपको डेफिनेशन और भी क्लियर करने की कोशिश करूंगा सुनिए तो मैंने बताई दी आपको यहां पे एक चीज और ध्यान देने की जरूरत है कि यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट विच आर सबसेट ऑफ एस इंटीरियर ऑफ सुनिए मैंने आपकी शॉर्ट ट्रिक बताई थी वही शॉर्ट ट्रिक को मैंने लिखा है कि अगर किसी भी पॉइंट का अगर हमें इंटीरियर पॉइंट का सेट निकालना है तो जो भी हमारे पास सेट ये देखा उसके जितने भी सबसेट है जो कि टोपोलॉजी के मेंबर है उसका यूनियन लेंगे तो वो हमारे पास इंटीरियर ऑफ ए आ जाता है एंड इंटीरियर ऑफ सेट इज ओपन सेट और हमेशा क्या होता है ओपन सेट होता है क्लियर अब आगे बढ़ते हैं सुन यहां पे अब बात करेंगे सुन पे पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताया था कि एक्सिट पॉइंट हमारे पास क्या होता है सुन, जो भी हमारे पास यहाँ पे तो सुन, कोई भी हमारे पास एक्स दे रखा है उस पर हमने टोपोलॉजी डिफाइन कर रखी है और एक हमारे पास सेट ए दे रखा है उसका अगर हमें यहाँ पे एक्सटीट पॉइंट निकाला तो हम क्या करेंगे उसके कॉम्प्लीमेंट के इंटीरियर पॉइंट निकालेंगे और वही हमारे पास क्या आ जाएंगे एक्सट्रीट उसके हो पॉइंट जैसे हमारे पास ये दे रखा है हमारे पास ये टोपोलॉजी डिफाइन कर रखी है आपसे बोला जा रहा है कि टू वन टू फाइव का हमारे पास यहाँ पे क्या निकालना है

और वो हमारे पास क्या आएगा सुन थ्री आएगा तो यार ये हमारे पास क्या आएगा एक्सटी ऑफ जाएगा राइट तो ये हमारे पास तरीका होता है जिस हम निकाल सकते हैं सुन आगे बात करेंगे फ्रंटियर के, के बारे में तो कोई भी अगर हमारे पास सेट एक्स दे रखा एक्सा और टोपोलॉजी डिफाइन कर रखी है और हमारे पास कोई ए सेट दे रखा है जिसके हमें पूछा जाए कि इसका फ्रंटियर पॉइंट क्या होगा तो हम क्या करेंगे उसके इंटीरियर निकालेंगे एक्सटीरियर निकालेंगे उसके अलावा जो बचेगा वो हमारे पास क्या जाएगा इसका बाउंड्री पॉइंट या फ्रंटियर पॉइंट हो जाएगा ये हमारे पास देखा पॉइंट एक्स ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस सेट टू बी द फ्रंटियर और बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए सबसेट ए ऑफ एक्स इफ एंड एन इफ इट इज नाइदर एंटीरियर नॉन एक्सटीरियर ऑफ ए देन द सेट ऑफ सच पॉइंट इज नॉन एज ए फ्रंटियर पॉइंट और बाउंड्री पॉइंट राइट अभी मैंने एक्साम्पल दिया था स्वीन टू थ्री फोर एंड ये हमारे पास टोपोलॉजी थी यह फाइए यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है दिस इज फाइव राइट तो सुनिए हमारे पास दे रखा था अब हमारे पास यहां पे इसका जो फ्रंटियर निकालना है ये हमारे पास सेट ए दे रखा है इसके फ्रंटियर ऑफ ए निकालना तो हम क्या करेंगे इसका इंटीरियर निकालेंगे टू फोर आएगा फिर इसके कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर निकालेंगे तो वो हमारे पास फ्रंटियर पॉइंट आएगा जो कि वन आया तो टू फोर हमारे पास एक्सटीरियर इंटीरियर आगे इसके अलावा जो बचेगा थ्री वो हमारे पास क्या गा? सन फ्रंटियर आ जाएगा या फिर इसका बाउंड्री पॉइंट आ जाएगा आगे इस बात करेंगे पे कुछ और कुछ और शर्म के प्रूफ के प्रूफ बारे एक्स का देन रहा है कि जो ए इंटीरियर होता है इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेनिंग ए एक तो ये प्रूव करना दूसरा ए इज ओपन सेट इफ एक इंटीरियर इज इक्वल टू ए इसमें आपके सामने सबसे पहले जो भी हमारे पास थ्योरम होती है इसमें कभी भी आप किसी थ्योरम का प्रूव करें तो आप हमेशा कहने के एग्जांपल लेके चलिए एग्जांपल लेके चलेंगे तो आपके कंसेप्ट बहुत इजीली क्लियर हो जाएंगे तो हमें एग्जाम्पल एक 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 लेते हैं जो हमने बार बार हम एक ही एग्जाम्पल को लेने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको चीजें मैं क्लियर करें इसमें हमारे पास एक्स दे रेखा और इसके ऊपर हमने टापोलॉजी डिफाइन करी थी यह आएगा हमारे पास फाइव आएगा एक्स आएगा एंड वन आएगा एंड यह आएगा हमारे पास टू फोर एंड इसमें आएगा हमारे पास वन टू फोर राइट अभी हमने बताया था कि यहाँ पे हमने एक ए सेट लिया और ए सेट हमारे पास यहाँ पे क्या था टू थ्री फोर था एंड इसका हमने इंटीरियर पॉइंट निकाला तो सुन इसका जो इंटीरियर पॉइंट था वो हमारे पास क्या था है टू फोर आया था जो हमने स्टार्ट एग्जाम्पल दिया था अब हमें यहाँ पे दो चीजें प्रूव करने की जो ए इंटीरियर इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेनिंग एयर है तो सुन ये हमारे पास ए है राइट right? इसके हम सबसेट निकाले तो इसके हम बहुत सारे सबसेट निकाल सकते हैं टू थ्री आएगा टू फोर आएगा लाइक उसके बाद थ्री फोर आएगा फिर उसके बाद हमारे पास टू आएगा थ्री आएगा फोर आएगा देन हमारे पास फाइव आएगा तो आप देखेंगे जैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ एक हमारे पास सबसेट क्या क्या हो सकता है तो एक तो हमारे पास टू थ्री आ जाएगा एक हमारे पास टू फोर आ जाएगा एक हमारे तो पास थ्री फोर आ जाएगा राइट ये हमारे पास आ जाएंगे फिर हमारे पास टू आएगा फिर थ्री आएगा फिर फोर आएगा ऐसे हमारे पास सबसेट आएंगे और ये खुद भी हमारे पास आएगा अब आपको देखना है कि इनमें से ऐसा कौन सा है जो इसके

बराबर होता है राइट तो यही हमें प्रूव करना है फर्स्ट में तो इसमें जो सेकंड है पास ये प्रूव कर रहा है कि ए इज ओपन इफ इंटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू ए है ना अगर हमारे पास कोई भी ए ओपन सेट ले तो उसका इंटीरियर वो सेट हमेशा बराबर होता है एग्जाम्पल लेता है, है ना मान लीजिए मैं इसको हटा देता हूं राइट और मैंने ले लिया यहां पे वन टू फोर क्लियर क्या ले लिया सुनिए मैंने यहां ए ले लिया वन टू फोर राइट इसकी जगह मैंने ले लिया वन टू एंड फोर अगर मैंने ओपन सेट लिया और अगर इसके मैं इंटीरियर पॉइंट का सेट निकाला तो ये वन टू फोर ही आएगा है ना मतलब आपको इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं आप बोलोगे गुरु जी कैसे आ जाएगा तो हम क्या करेंगे उसमें हमारे पास तरीका क्या होता है इंटीरियर निकालने का कि यार जो भी हमारे पास दे रखा है उसके हम यहाँ पे क्या करेंगे सबसेट देखेंगे तो यार वन टू फोर का सबसेट एक तो वन टू फोर आएगा और इसके अलावा एक टू फोर आ जाएगा एक हमारे पास फाइव आ जाएगा भाई ये तीन आएंगे हमारे पास राइट और इन तीनों का अगर यूनियन लें भाई भाई इसका इसका इसका, इसका यूनियन लेंगे तो यार साहब ही आएगा राइट तो यार इसका जो इंटीरियर का सेट आएगा वो खुद ही आएगा है ना तो अगर हम कोई भी टोपोलॉजी का मेंबर लें और उसका अगर हम इंटीरियर का सेट निकालेंगे तो वो खुद उसके बराबर ही आएगा राइट है ना और हम जानते हैं कि जो अगर हमारे पास किसी भी सेट के सब के सब पॉइंट अगर इंटीरियर पॉइंट हो जाते हैं तो वो क्या हो जाता है ओपन सेट हो जाता है ना ये हम सेट में पढ़ते हैं राइट तो वही चीज हमारे पास यहां पे। और ये हम दोनों को यहां पे क्या करना है प्रूव करना अभी सुन आपको प्रूफ बड़ा इजीली समझ में आएगा सुन प्रूफ समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि से हम चीजों को समझ लिए कि इसका स्टेटमेंट क्या है करना क्या है अब दो मिनट में, में हमको समझ में आ जाएगा ट ऑफ ए है और इंटीरियर से इंटीरियर में लेकर चला गया इसका मतलब जी हमारे पास इंटीरियर का क्या हो जाएगा सबसेट हो जाएगा राइट और अगर ये इसका तो सबसेट तो जा जा और हम जानते हैं कि इंटीरियर का सेट हमेशा क्या होता है तो यार ये हुआ तो इसका जो लार्जेस्ट ओपन सेट होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा इंटीरियर ऑफ ए हो जाएगा तो राइट right? इजीली इस तरह से हम यहां पे इसको प्रूव कर सकते हैं अब सेकंड बात करते हैं कि इफ ए इज ओपन सेट देन हमारे पास इंटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू ए हो जाएगा राइट right? सो so, सुन बात करेंगे सेकंड पॉइंट के बारे में कि ए इंटीरियर हमारे पास ए के बराबर लेके चल रहे हैं और हम जानते हैं कि जो ए इंटीरियर का सेट होता है वो हमेशा ओपन सेट होता है और अगर ये इसके बराबर है अगर ये ओपन है तो ऑब्वियसली ये भी हमारे पास ओपन हो जाएगा तो ए हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा सुन ओपन सेट हो जाएगा अब बात करते हैं सुन कन्वर्स के बारे में कि अगर हमारे पास ओपन सेट है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे राइट अब कन्वर्स प्रूव करेंगे ना तो इफ ए इज ओपन सेट देन ए इज नेबरहुड ऑफ ऑफ ईच इट्स पॉइंट अगर हमारे पास ओपन सेट सेट है तो उसका वो जो होगा उसके हर पॉइंट का क्या होगा नेबरहुड नेबरहुड हो हो जाएगा जाएगा हर पॉइंट का तो ऐसे हो जाएगा एक्स इज बिलोंग्स टू एन ए उसके अंदर कंटेन कर जाएगा अगर ये इसके अंदर कंटेन करेगा इसका मतलब ये इसका इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा राइट और अगर ये इंटीरियर पॉइंट होगा तो ये इसके इंटीरियर के सेट में चला जाएगा तो हम एक्स यहां से लेके चले ए में लेके चले और इसके इंटीरियर में लेके इसका मतलब ए जो होगा वो इसके इंटीरियर का

सच देट एक्स इज नॉट अ लाइक लिमिट पॉइंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट सो यहां पर हमारे पास ए अगर हमारे पास कोई सेट है तो उसके जितने भी इंटीरियर पॉइंट के एलिमेंट होते हैं वो उसके कॉम्प्लीमेंट के लिमिट पॉइंट नहीं होते हैं है ना एक्साम्पल लेते हैं एग्जाम्पल से बहुत अच्छा समझ में आएगा राइट इस यहां पर क्या होता है मैं आपको एग्जाम exam... ये थियोरम क्या बोल रही ये एक बार समझ लीजिए ताकि आपको दो मिनट में समझ में आए इसकी टॉपोलॉजी हम लेते हैं यहां पर जो बार बार मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं वही लेता हूं ताकि आपको यहां पर समझ में इसव ये हमारे पास टू फोर आएगा एंड ये हमारे पास आएगा इसव वन टू एंड आ जाएगा राइट right. अब हम क्या करते हैं ले लेते हैं और ये आएगा हमारे पास टू थ्री फोर अब हम क्या करते हैं अब हम इसके यहाँ पे इंटीरियर का सेट जानते हैं इस सुन इसका इंटीरियर का हमारे पास क्या आएगा टू फोर आएगा राइट right. अब ये बोल रहा है कि जो भी हमारे पास इंटीरियर के एलिमेंट आए वो इसके कॉम्प्लीमेंट के लिमिट पॉइंट नहीं होंगे तो इसका कॉम्प्लीमेंट देख लेते हैं सुन इसका जो कॉम्प्लीमेंट आएगा वो हमारे पास क्या आएगा यार वन आएगा राइट अब हमें देखना है कि यार हमारे पास जो ये आया इसका कॉम्प्लीमेंट वन आया

के साथ इसका इंटरसेक्शन लेता हूं तो वन के अलावा कोई और कॉमन नहीं आ रहा जबकि हमारे पास परिभाषा होती है कि वन के अलावा दूसरा और आना चाहिए अगर आपने लिमिट पॉइंट की परिभाषा में समस्या है तो आप आईटी पर जाके मेरा पुराना वीडियो देख सकते हैं वहां लिमिट पॉइंट मैंने बहुत अच्छा समझा रखा तो यार वन के अलावा नहीं आ रहा है मतलब हमारे पास ये वन लिमिट पॉइंट नहीं होगा है ना तो वन इज नॉट लिमिट पॉइंट राइट अब बात करेंगे क्या इसका लिमिट पॉइंट है तो बेटा हम देखते हैं कि यहाँ पे टू को कंटेन करने वाला हमारे पास कौन सा आ रहा है तो ये आ रहा है एक ये आ रहा है और एक ही आ रहा है राइट अब हम देखेंगे कि यार टू हमारे पास लिमिट पॉइंट है कि नहीं तो सीजन वन का हम टू फोर के साथ इंटरसेक्शन देखेंगे तो हमारे पास यहां पे फाइव आ रहा है मतलब

कॉमन एलिमेंट आ रहा है जो कि थ्री के अलावा मतलब थ्री का क्या हो जाएगा सुन लिमिट पॉइंट हो जाएगा अब देखेंगे फोर इसका लिमिट पॉइंट होगा कि नहीं होगा तो सुन क्या करेंगे फोर को कंटेन करने वाला हमारे पास कौन आ रहा है एक तो ये आ रहा है एक ये आ रहा है

मतलब ये इंटीरियर का सेट हो जाएगा हम ये दिखाना है क्लियर है तो हम क्या करेंगे उसने एक एलिमेंट यहां से लेके चलेंगे और यहां पे दिखा देंगे तो ये इसका सबसेट हो जाएगा फिर हम यहाँ से लेके चलेंगे इधर दिखा देंगे तो फिर हमारे पास यहां पे बराबर आ जाएगा राइट तो हम क्या करेंगे सुन एक्स बिलोंग्स टू बी लेके चले तो इसका मतलब क्या होगा एक्स ए में तो है पर उसके लिमिट पॉइंट के सेट में नहीं है और जब लिमिट पॉइंट के सेट में नहीं है मतलब ए डेस का लिमिट पॉइंट के सेट में नहीं है इसका मतलब ये होगा उस एपन सेट में हमारे पास कोई एलिमेंट ऐसा हो जिसको हम उसके साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो यार हमारे पास यहाँ पे जो उसका इंटरसेक्शन आएगा वो हमारे पास फाइव आ जाए मतलब कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है तभी उसके अलावा एक्स्ट्रा एलिमेंट हमें मिलना चाहिए तभी तो हमारे पास लिमिट पॉइंट होगा राइट इसका मतलब यहाँ पे हुआ कि देर एक्स ओपन सेट एन कंटेनिंग एक्स मतलब उस एक्स को कंटेन करेगा बाकी इसके अलावा दूसरे एलिमेंट को कंटेन नहीं करेगा राइट इसका मतलब क्या होगा सुन यहाँ पे कि अगर मैं एन यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि भाई अगर इस एन में से अगर मैं एक्स निकाल दू तो फिर तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका इंटरसेक्शन फाई आ जाएगा देन हम क्या कर सकते हैं इसको ऐसा ले सकते एन इंटरसेक्शन ए डेज गुड फाइव अब आप बोलोगे सर यहां से ऐसा करने से क्या मतलब क्योंकि हमारे पास जो एक्स है वो उसके ए डे में है ही नहीं राइट तो इन दोनों में से किसी एक में भी नहीं होगा तो भी इसका इंटरसेक्शन फाइव आएगा राइट so, सुन इसका इंटरसेक्शन फाइव आ रहा है इसका मतलब जो एन है वो इसके कॉम्प्लीमेंट में चला जाएगा मतलब ए डे का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या जाएगा ए आ जाएगा राइट तो so, सुन यहाँ पे हम क्या लेके चलेंगे कि एन इज सबसेट सबसे आ गया ए आ गया सो सुन हमने पे क्या प्रूव कर दिया कि एक्स इज बिलोंग्स टू एन एन विच इज सबसेट ऑफ ए तो यार ये जो ए है ये एक्स का क्या हो जाएगा

वो हमारे पास इसका लिमिट पॉइंट नहीं होगा राइट और अगर इसका लिमिट पॉइंट नहीं होगा तो हमारे पास क्या होगा इसमें एक्स बिलोंग्स टू बी चला जाएगा राइट क्योंकि हमारे पास उस सेट में चला जाएगा जहां पर हमारे पास डिफाइन किया था स्टेट में बी में इसका मतलब हमारे पास जो एक्स यहां से लेके चले और यहाँ चलेगा इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास इसमें हमारे पास इंटीरियर ऑफ ए क्या हो जा जाएगा बी का

अब यहाँ हम क्या करते कि वो सभी के जो कि इसके सबसेट है राइट इसके, तो इसके क्या 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 तो आएगा और, आए और इन दोनों का जो यूनियन होता है वो हमारे पास क्या होता है राइट सुन वो हमारे पास क्या होता है एक्सटीरियर ऑफ ए हो जाएगा तो एक्सटीरियर ऑफ ए हमारे पास क्या है? इन दोनों का यूनियन वन हो जाएगा और यही हमें यहां बोला जा रहा है कि क्या होता है, सुन, हमारे पास क्या होता है? वो सभी ओपन सेट का यूनियन जो हमारे पास के और उसके कॉम्प्लीमेंट का सबसेट है तो यार इसके कॉम्प्लीमेंट का सबसेट ही तो लिया हमने फाई और वन इसके कॉम्प्लीमेंट का सबसेट है राइट और उसका यूनियन हमारे पास आ रहा है तो यार यही तो है, तो है 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 इसी को पे पे क्या करना है? प्रू करना प्रूव सो so, सुन हम लेके चलते हैं कि एक्सटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर हम जानते हैं इसकी डेफिनेशन होती है राइट अब हम क्या करते हैं सुन एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर तो अगर ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर इसका मतलब यहां पे हमारे पास जो एक्स होगा सो सुन पे हम क्या करेंगे एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर और अगर ए कॉम्प्लीमेंट के इंटीरियर हमारे पास X में जा रहा है तो इसका मतलब ये हमारे पास एक्स इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा और अगर X इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा तो जो ए कॉम्प्लीमेंट का सेट है वो एक्स का क्या हो जाएगा हो जाएगा अगर इसका नेबरव होगा तो हमारे पास कोई करेगा जिसमें ये एक्स जाएगा और ये इसका ए कॉम्प्लीमेंट का क्या हो जाएगा

सेट हो गया और यही तो हमारे पास एक्सचियर पॉइंट होता है तो इस तरह से हम बहुत इजीली आप इसको प्रूव कर सकते हैं so, सो सुनिए कमेंट बॉक्स के लिए क्वेश्चन और इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है एंड इसको सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए टोपोलॉजी की पूरी की पूरी प्ले आप यहाँ जाकर देख सकते हैं अगर आप सीएसआईआर नेट गेट आई आईजे में अलग अलग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको शॉर्ट ट्रिक सीखनी है तो आप यहाँ जाकर मेरी पूरी की पूरी प्ले देख सकते हैं और यहाँ जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू बाय